प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण फाटा पर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुमरा शील डायघर इलाके के तमाम पदाधिकारियों ने आतंकवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी गुफा तीर्थ यात्रा कर वापस कटरा लौट रहे श्रद्धालुओं पर बस में आतंकियों द्वारा गोलीबारी की गई थी और इस घटना में करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। और इसी का विरोध करते हुए आज कल्याण फाटा पर मुमरा शील डायघर इलाके के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई है। इस आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा था, वहीं आज कल्याण फाटा पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कल्याण फाटा की है जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और कहा कि इस घटना को लेकर वो जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज जो आंदोलन किया गया ये हम इधर आंदोलन करके हम सीमित नहीं रहने वाले। इस आंदोलन की होने के बाद कल दोपहर को हम लोग थाना के जिलाधिकारी के पास एक निवेदन देने वाले हैं, क्योंकि हमारा कलवा मुमरा जिला, थाना जिला और नई मुंबई जिला, हम तीनों जिला के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की टीम कल दोपहर को वहाँ पे जाके उनको ज्ञापन देने वाले हैं और पूरे भारतवर्ष से वो ज्ञापन राष्ट्रपति जी के पास पहुँचने वाला है और मुझे आशा है कि वो उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। और जो आतंकवादी ने जो प्रयास किया और वो अभी जो बचे हुए हैं, मुझे अपने मिलिट्री के ऊपर भी भरोसा है, थोड़ी सी ग्लिच हो सकती है। अभी एक बात मुझे समझ में आ रही है कि खाली मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर घर के भेदी नहीं होते तो ये हमला नहीं होता। तो मतलब कश्मीर में कुछ भी अभी भी कुछ बचे हैं तो उनको भी ढूंढ के उनको भी ऐसा ही अश्न करना चाहिए ताकि अगली बार कोई भी आतंकवादियों को घर के अंदर सपोर्ट करना, कश्मीरी जो कुछ है बचे कुचे जिनकी जिहादी मानसिकता है उनकी फिर से हिम्मत नहीं होगी। और अमरनाथ यात्रा हो या हमारी वैष्णो देवी की यात्रा हो, या हमारे हिंदुओं के पवित्र स्थान है, अगर हिंदुओं के देश में हमें अगर सुरक्षा में हमारे भगवान के दर्शन करने पड़ रहे तो अब सब हिंदुओं का हमें शर्म आनी चाहिए और सरकार को भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। भले हिंदुत्ववादी सरकार हो, लेकिन हमें ऐसा दिन देखना है कि हमारा छोटा बच्चा, माँ बहन कौन से भी समय कभी भी अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा हो, बिना सुरक्षा के वहाँ पे दर्शन कर सके, ऐसा दिन हमें देखना है। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और ये निर्मम हत्या किया गया है, ये बच्चों का, बुजुर्गों का, बड़ों का ये निर्मम हत्या किया गया है सोच समझ कर, साजिश करके। और अगर जो सरकार इस पर ध्यान नहीं दी तो ये आगे और बढ़ता जाएगा। इस पर शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। जब तक सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, और सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत ही ज़रूरी है। अब छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला है, सरकार कुछ बड़ा करे। अमरनाथ पे हमेशा एक सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ता है, बाकी जगह सिक्योरिटी के साथ क्यों नहीं जाना पड़ता है, क्यों हमेशा हिंदू टारगेट होते हैं। बस मुझे यही कहना है सरकार से कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और ये जो पाकिस्तान है ये 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं मानेगा, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो इस पर
हमारे प्रधानमंत्री को भी ध्यान देना होगा।